नमस्कार, मैं हूं वसीम राशिद। ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है और आज की कुछ ख़ास बड़ी अहम खबरें हमारे पास हैं, तो चलिए सीधे बात करते हैं डॉक्टर मनीष से। डॉक्टर मनीष, किस बारे में आज बात करना चाहेंगे? सबसे पहले आज जो है हफीज़ सईद के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। जी, वो इसलिए चर्चा करेंगे कि सडनली एक व्यक्ति जो पाकिस्तान के अंदर रैलियां कर रहा था, भाषणें दे रहा था, वहां पे वो बिल्कुल एक सेलिब्रिटी का जिसका स्टेटस है, सडनली उसको अमेरिका ने टेररिस्ट के टॉप 10 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में उसको डाल दिया। और सिर्फ डाला ही नहीं, $10 मिलियन का उसके ऊपर $10 मिलियन के ऊपर जो है, तो ये जो है अचानक अमेरिका को ये नींद खुली अमेरिका की। हिंदुस्तान काफी समय से कहता आ रहा है कि हिंदुस्तान में जितने टेररिस्ट धमाके होते हैं, लोगों की जान जाती है, जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं इन धमाकों में, इस टेररिज्म में, उसके पीछे ये हफीज सईद है। हम लोगों ने बहुत सारे एविडेंसेस दिए, लेकिन अब तक ये व्यक्ति उस लिस्ट में नहीं था जिस लिस्ट में अल जवाहरी है, जिस लिस्ट में कभी ओसामा बिन लादेन हुआ करता था। तो ये एक तो अच्छी खबर है कि देर आए दुरुस्त आए कि भाई चलो इन्होंने किया, लेकिन समस्या जो है पाकिस्तान की बढ़ गई है, क्योंकि अब ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में इसका नाम आ गया है, वो भी अमेरिका के लिस्ट में, दुनिया का सबसे बड़ा दादा जिसको कहते हैं, उन्होंने इनको अब डिक्लेयर कर दिया है। तो नाउ पाकिस्तान विल हैव टू एक्ट, बट द प्रॉब्लम इज The government of Pakistan cannot act. समस्या बहुत जटिल है। तो ये जटिल क्यों है, आज हफीज सईद को ही समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये भी समझ में आएगा कि हाउ पाकिस्तान हैज बीन फॉर द लास्ट 25 years, जिसको कहते हैं कि भाई आतंकवाद का कारखाना है, कैसे वो बना। और ये जो हैं उस कंपनी के CEO हैं हफीज सईद साहब। तो सबसे पहले इनका परिचय यही है कि यही जो हैं लश्कर ए तोयबा के हेड हैं, करता धरता, जमात-उद-दावा भी इन्हीं के अंडर में है। जमात-उद-दावा का आपने नाम ले लिया, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि जमात-उद-दावा का क्या चक्कर है। जी। और ये इतना शातिर खिलाड़ी है कि ये पाकिस्तान की सरकार से भी पैसे लेता है, पाकिस्तान की सरकार को भी मालूम है, ये UN एजेंसी को भी चकमा देकर के पैसे ले लेता है और टेररिज्म का काम करता है। अफगानिस्तान, ईरान, सब जगह इसकी तंजीमें काम कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये और ये आदमी खुद को एक इस्लामिक स्कॉलर बताता है, और साथ ही साथ इनकी जो पकड़ है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, खास करके पाकिस्तान के पंजाब के इलाकों में जहां पाकिस्तान की सरकार नहीं पहुंच सकती, वहां हाफिज सईद के लोग, ऑर्गेनाइजेशन वहां पहुंच जाते हैं। अब देखिए, ये वही आदमी है जो लोग, जिसको लेकर के हिंदुस्तान के टेलीविजन में बार बार दिखाया जाता है कि ये भाषण दे रहा है, खुला भाषण दे रहा है, बाकायदा रैलीज करता है और बहुत भीड़ होती है, बहुत ही पॉपुलर आदमी। पाकिस्तान की सरकार के लिए ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की सरकार इसका अब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकी, और पाकिस्तान की सरकार, ये कहना गलत होगा कि सरकार के नजरिए में ये आदमी टेररिस्ट है या आतंकवाद का कारखाना, क्योंकि हमने जब बम धमाके हुए
तो सबसे मेन कन्विक्ट हम लोगों ने हाफिज सईद को बनाया। तो समस्या ये है कि पाकिस्तान के अंदर में इसको बचाने के लिए वहां की पॉलिटिकल पार्टीज, वहां की सरकार, वहां के हीरो बना रखा है। हीरो नहीं, उसको डिफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल। इनके खिलाफ कोई भी केस होता है, कोई भी सबूत देते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, इनके खिलाफ सबूत ही नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि ये एक खूंखार टेररिस्ट है, बिल्कुल। और ये टेररिज्म के बदौलत लोगों में घृणा फैलाता है। इसकी जो आइडियोलॉजी जो है वो लोगों में घृणा फैलाने की है, और वो घृणा इसलिए फैलाता है, और हिंद पाकिस्तान अमेरिका अब तक इसलिए चुप था क्योंकि इस आदमी का पूरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म इन पाकिस्तान। दो तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहां, एक वो जो अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ अमेरिकी से लड़ते हैं, और एक वो जो हिंदुस्तान में बम धमाके करवाते हैं, जो कश्मीर को जो है आजाद कराने का सपना लेकर के घूम रहे हैं। तो अमेरिका अब तक इसलिए नहीं उसे डिक्लेयर किया था क्योंकि उसे लगता था कि ये उनके कंसर्न का नहीं है, हाफिज सईद से उनको कोई खतरा नहीं है। हाफिज सईद जो है वो अमेरिका के खिलाफ नहीं है, वो उसका काम जो है वो कश्मीर, हिंदुस्तान और वहां बम धमाके करना है। लेकिन अब जब ये डिक्लेयर हो गया, $10 मिलियन जो उसके सिर पे जो है इनाम रख दिया गया है, तो एक बात मैं बता दूं, ऐसा भी हो सकता है जो हाल ओसामा बिन लादन का हुआ वो हाल हाफिज सईद का हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर है और ये अंडरग्राउंड होने वाला प्राणी नहीं है। ये अंडरग्राउंड में ऑपरेट नहीं कर रहा था ओसामा बिन लादन की तरह, ये रैलीज करता है और बहुत। और समस्या क्या है पाकिस्तान के साथ? तो पहला चीज ये समझना कि भाई अमेरिका ने अभी तक क्यों किया? वो इसलिए क्या, क्योंकि अमेरिका को उससे कोई खतरा नहीं लग रहा था, लेकिन अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है तो इसका मतलब है कि तालिबान के अंदर में भी कुछ रीग्रुपिंग हो रहा है। CIA को कुछ खबर मिली होगी कि भाई ये जो है अब ये लोग यूनाइट होकर के कुछ अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। एक इशू ये हुआ। अब दूसरी बात, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान में जो पंजाब का जो इलाका है, पाकिस्तान में गरीबी है, पाकिस्तान में अशिक्षा है, बहुत ही बैकवर्ड है, और ये जो इलाका है इसके जो गांव में जो पैटर्न है, दिस मैन थ्रू हिज ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू पेनिट्रेट इनटू ऑल द मदरसास। वहां क्या होता है? वहां ये हिंदुस्तान के खिलाफ लोगों के जहन में जहर भरता है, प्लस गांव के लोगों को, कसाब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, छोटे से गांव का लड़का, छोटे से गांव का लड़का, सही कहा आपने, जिसे माइंड वॉश करके, ब्रेन वॉश करके, उसे जो है उल्टी पुल्टी चीजें समझा बुझा करके उसको हिंदुस्तान के खिलाफ जो है जिहाद करने के लिए जो है इन लोगों ने झोंक दिया, बिल्कुल इन लोगों ने झोंक दिया। उसके साथ जितने दोस्त आए थे उसी एज के थे, वो भी किसी किसी गांव में होंगे। तो ये इस तरीके से ये गांव के लोगों को पकड़ के, ब्रेन वॉश करके, धर्म के गलत मायने बता के, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके, कश्मीर के खिलाफ, कश्मीर के बारे में, पार्टीशन के बारे में, इसके अलावा जिहाद का गलत तसव्वुर पेश करके, एक ये तसव्वुर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है जी, ये पूरा ये जो है उल्टे पुल्टे हिंसक आइडियोलॉजी समझा करके ये लोगों को तैयार करता है। अब समस्या ये है कि पाकिस्तान के रूरल इलाके में इसका जबरदस्त प्रभाव है। लोग सरकार की बात नहीं मानेंगे, जरदारी की बात नहीं मानेंगे, इसकी बात मानेंगे। ये इस तरीके से इसका रुतबा है। नाउ एनी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए ये अब एक समस्या आन पड़ी है कि अब करे तो करे क्या। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है,
पाकिस्तान क्या स्टेटमेंट देगा, क्योंकि उसको तो वो तो इधर कुआ इधर खाई, इधर खाई। सही कहा आपने। तो होता ये है कि गलत पॉलिसीज पे आप चलेंगे, यू विल कम टू सच काइंड ऑफ डेड एंड, जहां इधर भी तबाही और उधर भी तबाही। अगर आप पाकिस्तान के साथ, दुविधा क्या है कि पाकिस्तान अगर हाफिज सईद के अगेंस्ट कोई एक्शन लेती है या बयान देती है तो रिबेल कर जाएंगे, तो लोग ये लोग चुनाव हारेंगे। सही कहा। इन लोगों को वहां बॉम्ब धमाके होंगे, पुलिस आर्मी के खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे। अभी भी वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है पाकिस्तान के सारे शहरों की। और अगर अमेरिका के खिलाफ अगर करेंगे तो फिर वही बम जिस तरीके से बॉर्डर पे हो रहा है, जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन के को मारा गया, अंदर घुस के इन लोगों ने मार दिया और पता भी नहीं चला। अब जब डिक्लेयर कर दिया गया है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो इंटरनल पूरा जो सिस्टम है उसमें आईएसआई से ज्यादा इंफॉर्मेशन सीआईए के पास होती है। बिल्कुल, वो इस तरीके का नेटवर्क अमेरिकी ने वहां पे बिछा रखा है कि पाकिस्तानियों को ही इस्तेमाल करके उनका पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा आप बीज बोगे फसल वैसे ही काटोगे। पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जिसके फॉरेन पॉलिसी का एक टूल है आतंकवाद। ये ऐसा रोग स्टेट है और ऐसी इनकी बुद्धि मारी गई है कि दे हैव बीन यूजिंग टेररिज्म एज ए टूल ऑफ डिप्लोमेसी। दे हैव बीन यूजिंग टेररिज्म टू प्रूव देयर पॉइंट, टू बार्गेन विथ अमेरिका, विथ इंडिया, विथ अदर कंट्रीज। अब इनके ऊपर जो है पड़ी है, दे हैव टू कंप्लीटली चेंज। अगर पाकिस्तान की सरकार, वहां जो देश चलाने वाले लोग पाकिस्तान की जनता का भलाई चाहते हैं, तो दिस मैन शुड बी अरेस्टेड एट एनी कॉस्ट। इस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। बकौल आपके के पूरे, लेकिन पूरे पाकिस्तान में आग लग जाएगी तब क्या होगा? ये तो सोचना पड़ेगा कि आपको टेररिज्म के साथ जीना है या आपको अपने भविष्य को सुधारना है। ये है, आपको चुनना पड़ेगा कि आप खाई में गिरना पसंद करोगे कुएं में, बिकॉज यू हैव बीन परसुइंग रॉन्ग पॉलिसीज, यू हैव बीन लाइंग टू द वर्ल्ड। आप झूठ बोलते आ रहे हो, आप जो है अब तक जो है गुमराह करते हुए आ रहे थे। सवाल दूसरा ये भी है कि ये इतना पॉपुलर हो गया, इतना ऑर्गेनाइजेशन बन गया, पैसे कहां से लाए इसने? 9/11 की घटना के बाद जब पूरी दुनिया भर में अमेरिकन्स और बहुत सारे देश मिलकर के वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में जब के खिलाफ और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जब काम स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले इन लोगों ने यह किया कि इन लोगों के अकाउंट्स, इन लोगों का ट्रांजैक्शन, पैसा कहां से आ रहा है, उस स्रोत को जो है काट दिया गया। और ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि टेररिज्म जो है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, अलकायदा और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के जो है उसके जो पर कदर दिए गए। लेकिन ये तो पढ़ा लिखा आदमी है, इसने क्या किया? दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, और किस्मत देखिए, भूकंप आ गया, वो जो कश्मीर और बिल्कुल बहुत भयानक जलजला था पीओके में जो है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी जो जलजला जो आया था। जी जी बिल्कुल। तो उस समय इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट किया जिसका नाम है जमात-उद-दवा। ये काम क्या करती थी? तो दवा बांटती थी, इलाज करती थी, कैंप्स लगवाती थी। तो बहुत सारे दुनिया भर से फंड आए, यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी फंड आया, बहुत सारे देशों ने दिया। तो दैट हैज टू बी चैनलाइज थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए हाउ पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड दिस टेररिस्ट। इस सारे काम इन्होंने जो मेजर पोर्शन जो है जमात-उद-दवा के थ्रू करवाया गया।
بہت ساری اسٹڈیز آئی ہیں. اتنا فنڈ کیا اور صرف یہ دکھا کر کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے, لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے. یہ پیسہ جو ہے بیسیکلی دیکھیے بیسک کیا ہے, یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. حافظ سعید کون ہے؟ تو ایک دنیا کا خطرناک ٹیررسٹ ہے, بالکل. اور ہندوستان کے لیے تو خاص کر کے, بالکل, کہ جو ہندوستان میں جتنے بھی دھماکے ہوتے ہیں, دس مین از ماسٹر مائنڈ ہے اس کا, یہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے, بالکل ٹھیک کہا. یہ جو کارخانہ جو پاکستان میں چل رہا ہے ٹیررزم کا, بالکل, اس کا یہ سی ای او ہے, بالکل. تو آپ نے جو ہے مدد کرنا شروع کر دیا, وہ پیسج سے جو ہے وہ آرگنائزیشن کھڑا ہوتا گیا. پلس یہی نہیں, اب آپ دیکھیے ایک دو اسٹڈیز ہیں جو مائکرو لیول کے چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشنز نے کیے ہیں, کہ جو جلجلا کشمیر میں آیا جو بھوکمپ, تو ہندوستان کے پارٹ میں بھی ریہیبلیٹیشن کا کام ہوا اور پاکستان کے سائڈ میں بھی ہوا, بالکل. تو کئی گنا بہتر ہندوستان میں جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا کام چلا, جبکہ پیسے کم آئے, بالکل. ہم نے منع کر دیا تھا, ہمیں کسی کی مدد نہیں چاہیے, سرکار کے ذریعے ہوا. بہت سارے لوگ پولیٹیکل پارٹی, بالکل بالکل, ایون اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ کانگریس کے بہت یوتھ لیڈرز وہاں اس کیمپ میں گئے تھے. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں, ایک تو ایم پی بنا ہوا ہے سرسا سے اشوک تنور, اس کے ساتھ بہت سارے لوگ گئے تھے. لیکن ہاں یہ بات الگ ہے کہ یہ جتنے یوتھ کانگریس کے لوگ گئے وہاں پہ محنت کیا, کام کیا, لوگوں کے بیچ کام کیا, آج وہ کانگریس کو گالیاں دے رہے ہیں بیچارے, وہ کہیں کے نہیں رہے. بٹ لیکن یہ الگ بات ہے, بٹ بالکل جو طریقہ جو تھا وہ بہتر تھا. وہاں کیا ہوا؟ وہاں پیسہ بھی زیادہ آیا, دنیا بھر سے مدد بھی آیا, اور لیکن وہاں پہ ریہیبلیٹیشن نہیں ہو, بالکل. پھر باڑھ آیا, باڑھ میں بھی یہی ہوا. تو یہ پورا کا پورا جو سسٹم ہی جو ہے پاکستان سرکار کا, کہ جو پوری جو ویوستھا ہے, اٹ از سم ہاؤ سپورٹنگ دیز آرگنائزیشنز, چاہے وہ کام روڈ بنانے کا ہو, کنسٹرکشن کا ہو, یا کوئی ٹھیکیداری کا کام ہو. یہ جو ہے یہ اس طرح کے آرگنائزیشنز ان چیزوں کو لے کے چلے جاتے ہیں جن کے تار جو ہیں بیسیکلی وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ہیں, اور وہ پیسہ آتا ہے. اور جب پیسہ رہتا ہے تو آپ آرگنائزیشنز کو بھی بڑھا سکتے ہیں, موومنٹ بھی لانچ کر سکتے ہیں, آپ میڈیا کھڑی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے حفیظ سعید کے سپورٹ میں پاکستان کی میڈیا کھڑی ہو جائے گی کہ بھائی یہ تو سنت رام ہے, اس کو ٹیررسٹ کیوں بنا دیا؟ تو یہ ایک سمسیا ہے پاکستان کے لیے. امریکہ نے جو ہے بہت ٹائملی اسے ڈکلیئر کر دیا ہے, یہ ہندوستان پاکستان, اور ایسے وقت میں جبکہ دونوں کی بات چیت ہونی ہے جی. اور یہ ایسا چھپا ہوا بھی نہیں ہے, یہ کوئی داؤد ابراہیم بھی نہیں ہے کہ پاکستان کہتے کہ بھائی ہمارے یہاں نہیں ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. پوری پاکستان جان رہی ہے کہ داؤد ابراہیم وہاں ہے. اسامہ کو کہہ دیا تھا ہمارے یہاں نہیں ہے, کہ پاکستان پورا 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 پاکستان جان رہا ہے کہ بھائی اسامہ چھپا ہوا ہے, کہ شادیاں ہو رہی ہے, اور کس سے؟ جاوید میاں داد کے, ہاں داؤد ابراہیم, بالکل صحیح. یہ دونوں سندھی بن گئے ہیں, بالکل سب کچھ وہاں ہو رہا ہے, پھر بھی پاکستان کی سرکار جو ہے یہ کہتی ہے آفیشلی کہ داؤد ابراہیم کون ہے وہ جانتے ہی نہیں ہیں جی, بالکل. تو یہی دوہرا پن پاکستان کا, پاکستان کو لے ڈوبے گا. پاکستان کو اپنی پالیسی ہر طرح سے اس معاملے میں کم سے کم کلیئر کرنی چاہیے. آپ دنیا بھر کے جو ٹیررسٹ ہیں جو ان کو پناہ دیتے ہیں اور پھر اس سے انکار کر دیتے ہیں, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ اس کے بعد جو ہے, اب یہ تو چھپا ہوا نہیں ہے, اس کے بارے میں تم کہہ نہیں سکتے, یہ تو ہر مہینے کہیں نہ کہیں ٹی وی پہ نظر آتا ہے تمہارے یہاں. تو اب یہ بتائیے کہ جب زرداری آ رہے ہیں تو اب اس سے کیا معاملہ بیٹھے گا, ہماری بات چیت کیسے کس رخ پہ جائے گی؟ دیکھیے ہے کیا, سرکار کے لیے بھی, ہندوستان کی سرکار کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہو گیا. یہ اس لیے مشکل کام ہو گیا, اگر یہ ڈکلیئر نہیں ہوتا تو گڈی گڈی باتیں ہوتی, بالکل اچھی چیز باتیں ہوتی. زرداری مہان نیتا ہیں, بہت ہنسمکھ چہرہ ہے ان کا, بڑے شان سے رہتے ہیں, اور بہت ہی جو ہے بڑھیا ڈائلاگ ہوتا. منموہن سنگھ جی کے بارے میں بھی لوگ کہتے کہ بھائی ویژنری آدمی ہیں, پاکستان کے ساتھ بریک تھرو کرنے کی کوشش کر رہے تھے, پاتھ بریکنگ ٹاکس ہو رہے تھے. لیکن امریکہ نے ان سب موقع کو جو ہے, وہی میں کہنے والی تھی کہ امریکہ نے تو ایک ایسا بلاسٹ کر دیا بیچ میں. اب میڈیا جو ہے سرکار سے, ودیش منترالے سے, پردھان منتری سے یہی سوال پوچھے گی, اب میٹھی میٹھی بات نہیں ہو سکتی, اب آپ نے یہ مانگ کی کہ نہیں کہ اسے ہندوستان واپس کرو. بالکل,
कि हिंदुस्तान में जो है इसको वापस किया जाए। तो ये मसला जो है ये ऐसे असर करेगा कि अब प्रधानमंत्री को ना चाहते हुए भी ये बात रखनी पड़ेगी, और नहीं रखेंगे तो बीजेपी वाले चिल्लाएंगे, लेफ्ट वाले चिल्लाएंगे, मीडिया चिल्लाएगी, और जरदारी और जो टाइम है वो सुनाओ पे, टाइम सुनाओ पे अर्णब गोस्वामी जी चिल्लाएंगे कि भाई जी, कि व्हाई डिड यू आस्क दिस मैन टू बी हैंडेड ओवर टू इंडिया। नहीं, अमेरिका ने एक ऐसा शोशा छोड़ दिया कि मुझे लग रहा है जरदारी जब अजमेर शरीफ जाएंगे तो ये दुआ जरूर करेंगे कि उनका इसमें, लेकिन इसका एक सीरियस मसला ये है कि पाकिस्तान हर कुछ न कुछ दिन के बाद नए मिस में घुस जा रहा है, ये डिस्टर्बिंग है। और दूसरा, पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान को स्ट्रेट टॉक करने की जरूरत। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है डॉक्टर मनीष, यू फिनिश ऑफ दिस टेररिस्ट, यू फिनिश ऑफ दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और यू स्टॉप सपोर्टिंग दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, देयर एक्टिविटीज इन कश्मीर। और साथ ही साथ पाकिस्तान को यह भी चेतावनी देने की जरूरत है कि आप हिंदुस्तान में जो कश्मीर है वहां के जो अलगाववादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट करना, वो जो मॉरल सपोर्ट कहते हैं, और वो ये जो कहते हैं कि हिंदुस्तान कश्मीर में जो है वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा है, ये सब ड्रामा बंद करें। मेरा ख्याल है दिस इज़ द हाई टाइम, अब इस वक्त मौका यही है कि सीधे सीधे बात की जाए, ना कि गुडी गुडी टॉक्स हों। तो चलिए डॉक्टर मनीष, आज का अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। ये था हमारा आज का ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम, और देखिए आगे इसमें क्या फर्दर डेवलपमेंट होते हैं, जरदारी आते हैं तो क्या बातचीत होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे क्या बातचीत करते हैं। बाकी तय तो यही हुआ था कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए बात की जाएगी, लेकिन ऐसे वक्त में ताल्लुकात कैसे बेहतर बनाए जाएंगे ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ गया है। तो कल मिलते हैं आपसे अपने इसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।